सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम मंगला है, मंगला सैंड कमला। आज हम कपालभाति का प्रयोग करेंगे। कपालभाति एक प्राणायाम है। प्राणायाम प्राण का व्यायाम, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले जो भी एक्सरसाइज है, श्वास के द्वारा जो किए जाते हैं उसको प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम है। इसके अनेक फायदे हैं। एक पहले मैं नीचे बैठ जाती हूँ। इसके अनेक फायदे हैं। इन फायदों में क्योंकि यहाँ जो है हमारा एब्डोमिनल, ये जो इस पर नाभि केंद्र है, स्वादिष्टान चक्र जो है उस पर ये जोर दिया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है। इसके अनेक फायदे इसलिए हैं कि यह यहाँ के जो आंतरिक अवयव है इस पर यह काफी काम करता है। जैसे पाचन शक्ति है, उत्सर्जन है, मूत्र को त्याग करने की जो प्रक्रिया है, और जो गाठिया गर्भी रक्त संचालन है उसको शुद्ध करता है, उसको एक्टिवेट करता है चक्र से। इसलिए शरीर में जो भी गाठिया हो वो निकल जाती है। इससे डायबिटिक भी बहुत ही लाभकारी है। डायबिटिक में इसका अनुभव मैंने खुद किया है। स्वामी जी का यहाँ जैसे में योग शिक्षण हुआ था और 32 घंटे के सत्र के अंदर मेडिकल डॉक्टर ने चेक किया हुआ है। शुरू में और आखिर में 30 पॉइंट्स मेरे डाउन हो गए थे शुगर के। तो ये बहुत ही इसके लाभकारी है, इसलिए इसको राजा कहा गया है। प्राणायाम का सबसे बड़ा राजा जो है यह है, क्योंकि इससे 90% जो रोग हमारे वो दूर हो जाते हैं। किसको नहीं करने चाहिए? जिनको हर्निया हो, जिसकी सर्जरी हुई हो, जिसको सीवियर मैग्रेन हो,